जीवित हूं, लेकिन वो जीवित नहीं है, वो तो अपने मृत्यु के दिन पूरे कर रहा है। एक कवि ने कहा कि आखिर ये पक्षी है जो जीवन रूपी पक्षी है, जो मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, प्रत्येक जीव को जीने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करता है, आखिर इसका वजूद क्या है, अस्तित्व क्या है? तो ऋषियों ने कहा कि इस जीवन का कोई मूल्य नहीं, ये पक्षी है, आज इस पेड़ में बैठा है, कल उस पेड़ में बैठेगा। आज मानव शरीर में ये जीवित स्वरूप दिखा रहा है, कल यही चीटे चीटा पता नहीं किसके ऊपर सवार हो जाए और उसे जीवित रूप में इस संसार में भेज दे। तो ये पक्षी है, कब उड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। तो कवियों ने कहा, उम्र का पक्षी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम लगाता है। उम्र का पंछी उड़ता जाता, समय का पंछी उड़ता जाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता, उम्र का पंछी उड़ता जाता, मन का है हरि नाम लगाता है। उम्र का पंछी आज कहे कल नाम जपूंगा, आज कहे कल नाम जपूंगा। और देखिए व्यास जी, संसार का नियम है, जब कोई अच्छा काम करना होता है तो व्यक्ति उसे कल पर छोड़ देते। कवियों ने विचार दिया है कि जो व्यक्ति को अभी करना चाहिए वो उसे कल पर छोड़ देता है, और यही गलती उसके जीवन में पश्चाताप का कारण बन जाती है। वो भक्त क्या कहता है जब भगवान के भजन का समय आता है, कहता है आज कहे मैं कल जप लूंगा, कल आया तो फिर जप लूंगा। आज उस भक्त ने कहा कि आज मेरे पास समय नहीं है, मैं कल जपूंगा, लेकिन कल का समय आता है वो कहता है परसों जपूंगा, और इसी कल परसों के चक्कर में परसों व्यतीत हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान के भजन से वंचित रह जाता है। आज कहे कल नाम जपूंगा, कल आया कल जप लूंगा, आज कहे मैं कल जप लूंगा, कल आया तो फिर जप लूंगा, लेकिन बीता समय नहीं बीता सकल कभी लौट न आता, बीता समय नहीं लौट के आता, क्यों प्राणी से व्यर्थ कमाता है। उम्र का पंछी उड़ता जाता, समय का पंछी उड़ता जाता।
समय चक्रो चल ता मधुमासा, समय चक्रो चल ता मधुमासा, क्यों प्राणी से जान न पाता है। उपर समय की बात है, कुछ भी संभव है। लीजिए हाँ, जो भी करिए मजाक के साथ नहीं, विश्वास के साथ करिए, क्योंकि मजाक का समय और मजाक की उम्र बहुत कम होती है। अरे पाप की उम्र कम होती है लेकिन अत्याचार बहुत होता है। उम्र बहुत कम होती है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। एक ही अच्छा व्यक्ति आ गया, सब समाप्त। लीजिए अब यहां से हमें विलंब नहीं करना चाहिए, ऐसा समय है और इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। लीजिए व्यासपीठ से आप लोग श्री रामचरितमानस वंदना श्रवण करें और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा, आज के कार्यक्रम का शुभारंभ, जिन्हें मंगल आरती करनी है वो कर सकते हैं। अभी दरबार खुला हुआ है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है, केवल श्री रामचरितमानस वंदना और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। सुने श्री रामचरितमानस वंदना। Rama